Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel VS Education Subman. Today I am here to discuss important English vocabulary efforts and the Hindu editorials articles related kuch news apan padhenge. Okay, bane rahiyega complete video tak. आपके 100% एग्जाम पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स अपन डिस्कशंस करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को विदाउट टाइम वेस्टिंग्स. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें वीडियो को ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए. राइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एसबीआई आईबीपीएस तक, एसएससी एलआईसी नाबार्ड अक्षय किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस सेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. अगर करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं तो 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को. रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है, मैं आपको बता दूं एवरी डे मॉर्निंग्स में इंग्लिश वोकैबुलरी विद द सेंटेंस एंड द हिंदू एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स डिस्कशन हो रहे हैं. अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज रेगुलर देखिएगा. कि मम्मी कौन चलते हैं अपन नेक्स्ट में देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज 11th अक्टूबर 2019 और सभी का दिन मंगल में हो. इसी कामना के साथ मोटिवेशन स्कोर क्या कहती है, योर ट्रू सक्सेस इन लाइफ बिगिंस ओनली व्हेन यू मेक द कमिटमेंट टू बिकम एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू. बहुत बड़ी मोटिवेशन स्कोर है पर बहुत बहुत अच्छी गई है. जीवन में आपकी सच्ची सफलता बिगिंस एक तरह से कैसे द ट्रू सक्सेस राइट तभी शुरू होती है, लेकिन तभी शुरू होती है जब जो करते हैं उसमें उत्कृष्ट बनने की प्रतिबद्धता बनाते हैं. किसी भी चीज में आप करिए, आप 100% दीजिए कि मेरी तरफ से एफर्ट्स, मेरी तरफ से एक तरह से कैसे दे बहुत बेटर तरीके से मैं इस चीज को टैकल कर पाऊं अच्छे तरीके से. इसको एक तरह से कह सकते हैं 100% अपना दीजिए, तभी आप एक तरह से कह सकते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने टारगेट्स में अच्छे तरीके से अपना गोल अचीव कर पाएंगे. राइट, 100% किसी भी चीज, आप सर्विस कहीं पर कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर्स में बिजनेस करते हो, 100% अपना टारगेट रखिए. ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत एंड देन अपना जो अपना हार्डवर्क है उससे रिलेटेड बिल्कुल ईमानदारी से 100% देने की कोशिश कीजिए. आई गारंटी आप 100% जरूर सक्सेस होंगे. राइट, मम्मी को चलते हैं अपने आज के आर्टिकल से. देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स ये अपन पढ़ेंगे एंड सेकंड आर्टिकल्स ये डिटेल्स में डिस्कशंस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट आर्टिकल्स रिलेटेड टू मीटिंग्स, एक तरह से कह सकते हैं शब्द, एक तरह से कह सकते हैं शी जिनपिंग एंड आपकी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बीच में जो मीटिंग होने वाली है. प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के प्रेसिडेंट है एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में उससे रिलेटेड इस आर्टिकल्स में कहा गया है. राइट, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, आर्टिकल्स बहुत अच्छा है. इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या की पॉइंट्स, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल्स. देखिए चेन्नई के महाबलीपुरम में, राइट, एक चेन्नई के महाबलीपुरम में, चेन्नई तमिलनाडु, राइट, चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु एक तरह से कह सकते हैं महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में इनकी मीटिंग होने वाली है. ओके, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पे कहा गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं, यहाँ क्यों सुने, दिल्ली भी एक तरह से बन सकता था क्योंकि वहां क्यों चुना. देखिए वहां पर एक तरह से एक चाइना का लेखक, चाइना के लेखक है अपन कह सकते हैं, जिनका एक तरह से वहां पर आना हुआ था फर्स्ट टाइम उससे रिलेटेड, तो भी इनकी मीटिंग्स यहाँ पर तय की गई है बहुत अच्छे तरीके से, साथ साथ की गई है. एंड देन आर्टिकल्स में क्या कहना जाता है, कौन कौन से इश्यूज पे बात हो सकती है. फर्स्ट इश्यूज आपके टेररिज्म के बेसिस पे, जो पाकिस्तान से करता है टेररिज्म के बेसिस पे बात हो सकती है. सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड थर्ड, आपके डोकलाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड फोर्थ, आपकी जो चाइना में जो मसूद अजहर है उनको बैन लगाया था एक तरह से वीटो पावर के यूज के बेसिस पे कुछ दिन रोका था, उससे रिलेटेड कुछ बातचीत इंडिया की तरफ से की जा सकती है कि आगे क्या टेररिज्म के सेक्टर्स में. देखिए मैन फोकस दोनों कन्वर्जेशन के बीच में मैन फोकस टेररिज्म के बेसिस पर रहेगा. एंड सेकेंड, आपकी एक तरह से कह सकते हैं मैन फोकस में बता रहा हूँ, टू फोकस एक तरह से मैन पार्ट रोल करता है. फर्स्ट आपके टेररिज्म, सेकेंड आपकी इकोनॉमी, राइट, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं.
की उससे रिलेटेड इस पर आर्टिकल्स में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या क्या चर्चा करेंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। आई डोंट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। बहुत ही अच्छा जो आर्टिकल से इजी लैंग्वेज में दिया है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये आर्टिकल्स पढ़िए रेगुलर बेसिस पे, आपको समझाता हूं 100% आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती चली जाएगी। ओके, सेकंड आर्टिकल से आपका गोइंग स्टम टुगेदर, इट मींस द वर्ल्ड मस्ट हिट द आई एम फॉर मॉनिक्स द एवरीवन सोल्यूशंस लॉस इन ट्रेड वॉर, राइट। देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसके बारे में आगे इस स्लाइड में आपको बताऊंगा कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कब उसके हेडक्वार्टर कहां पे था, हेडक्वार्टर आप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड देन इसके चीफ कौन है, MD कौन है, चीफ इकोनॉमिक कौन है, सारे कुछ डिटेल्स मैंने दी है स्लाइड में, वन स्लाइड में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स ये कहना चाहता है कि ये किसी ग्रोथ फोरकास्ट करता है, इट मींस ग्रोथ का अनुमान लगाता है कि इस कंट्री की इतनी ग्रोथ रहेगी, इस कंट्री की इतनी ग्रोथ रहेगी, राइट। इसका काम एक तरह से यही है कि GDP ग्रोथ है उनका अनुमान यानी फोरकास्ट प्रिडिक्ट करना, राइट। अब इसमें आर्टिकल्स पे कहा गया कि एक तरह से जो अपनी इंडिया की ग्रोथ रेट है, राइट, इंडिया की ग्रोथ रेट है उसको कम एक तरह से कह सकते हैं। पहले किसी एक से फिगर्स दिया था, देन अब उसको कम करके ये फिगर दे दिया है, राइट। सपोज अब उसको पहले जो इन्होंने दिया था 7%, देन उसको अब 30 बेसिस पॉइंट करके इसमें इट मींस कह सकते हैं 6.7% एक से इन्होंने ग्रोथ दी है, एक से कह सकते हैं एग्जांपल्स के बेसिस पर। तो इनका मेन फोकस इनका एक से ऊपर भी कह सकते हैं मेन फोकस GDP ग्रोथ अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना क्या क्या सेक्टर से है इसमें, एक तरह से कह सकते हैं इंडिया की ग्रोथ है जो किस बेसिस पे कम हो रही है वो भी एक तरह से बताया गया। इंडिया की ग्रोथ है जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना एंड US से रिलेटेड, राइट। चाइना एंड US में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उनके बेसिस पे देखिए फर्स्ट आर्टिकल सी जिन पे, राइट, जो एक तरह से प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है तो US में चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मेन फोकस इंडिया पे ही रहेगा। तो एक तरह से कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ग्रोथ डेवलप हो सकती है, एक तरह से ग्रोथ को एक्सेलरेटेड मिल सकता है। तो उसी से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स में कहा गया, बहुत ही अच्छा आर्टिकल से अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में इकोनॉमिक सेक्टर्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो दिस इज द गुड आर्टिकल्स फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर आपकी जो भी आप किसी भी करियर में सेक्टर्स में आप अपना एक तरह से कह सकते हैं करियर बना चाहते हैं तो ये आर्टिकल्स बहुत अच्छा है। ओके, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एग्जाम्स पूछे जा सकते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का लोगो आपको बताऊंगा कि ये एक तरह से कह सकते हैं ये आपका लोगो है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोगों में ये एक तरह से किसका लोगो है। ओके, एंड देन फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC US, राइट, एंड MD है जो अभी न्यू एक तरह से कह सकते हैं क्रिस्टलिनिया जरूर बनेगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में GK से रिलेटेड। तो प्लीज बिना मैंने एक तरह से कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिमेंबर रखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अपन चलते हैं आज के वोकैबुलरी पे, दिस इज द बहुत ही अच्छा वोकैबुलरी। देखिए फर्स्ट वर्ड से बॉन होमन, इट मींस गुड होमन यानी कि जो खुश मिजाज व्यक्ति हो अच्छा पर्सन हो उसको बोलते हैं बॉन होमन। डाउन की तरफ का याद कर लीजिएगा। सेंटेंस देखिए There was a casual own homage between the actress at her real service, right? Second word, बहुत बार सुना होगा prior events adjective यानी कि anti years and major something यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं आपको जो पूर्वाग्रह अग्रिम जिसको बोलते हैं जो former हो उसको बोलते हैं। ओके, passengers must first use their seat belt prior to descent, right?
बायफिकेशंस, बायफिकेशंस मींस जो विभागों में बांट देना उसको बोलते हैं बायफिकेशन, राइट। सेक्शंस इज द सिनोनिम्स ऑफ बायफिकेशन, राइट। एग्जांपल देखिए, बायफिकेशंस प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन स्मूथ एक तरह से कह सकते हैं कंटिन्यूस सिस्टम्स आर स्टडी। बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स मैंने क्रिएट किए, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स मैंने एक तरह से अप लेवल पे है बैंकिंग सेक्टर्स में ऐसे एग्जांपल्स एक तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, तो आई होप आपके क्लियर होगा, थ्री वर्ड से प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कब बैठा आपको मालूम है, इट इज द बैटल समथिंग, युद्ध समथिंग, वार वेयर समथिंग, फाइट समथिंग, अब यूज कर सकते हैं। मेजर टू कॉम्बैट टेररिज्म विल बी हाई ऑन द एजेंडा, राइट। डुप्लीसियस, डुप्लीसियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई होप आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। दिस इज द वर्ड्स एडजेक्टिव टाइम ओ यू एस एन के बीच ऑल ओवर सब एडजेक्टिव। ओके, हाइपोक्रिटिकली इट मींस आपके दोगलापन जिसको बोलते हैं, ओके, उसको बोलते हैं डुप्लीसियस। ओके, डबल फेस्ड आप यूज कर सकते हैं। ट्रेचर इट मींस जो नमक खराब होता है उसको बोलते हैं ट्रेचर डुप्लीसियस बिहेवियर। ओके, रेसिस्टेंट इट मींस रीइनवोल्वेट, यानी कि जो रिवाइव करना हो उसको बोलते हैं पुनर्जीवित करना हो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट, दिस इज रेसिस्टेंट। ओके, सेंटेंस देखिए, द एंबुलेंस क्रू स्विंग्स इनटू एक्शन टू असिस्ट द पेशेंट, राइट। दीज आर सिक्स वर्ड, टेक अ स्क्रीनशॉट, कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, आप क्या ही हो आपको समझ में आएंगे। इफ यू लाइक द वोकैबुलरी वर्ड्स, इफ यू लाइक द सेंटेंस, तो प्लीज एक बार बटन लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या आपको सजेशंस है, उससे रिलेटेड में वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेवंथ वर्ड्स एक्सेलरेटेड, इट मींस हैस्टी समथिंग, क्विक समथिंग, किसी चीज को बढ़ाना उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ओके, ग्लोबल वार्मिंग कुड बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द ट्यूनिंग्स, ड्यू टू द थिनिंग, राइट, ऑफ द ओजोन लेयर। ग्लोबल वार्मिंग होती है जो एक्सेलरेटेड, राइट, तो ओजोन लेयर पे बहुत एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट डिटेरियोरेशंस, डिटेरियोरेशंस इट मींस डीके समथिंग, विशेषण समथिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है डिटेरियोरेशंस, डिटेरियोरेशंस, राइट। Are you going to tell me which one of words are noun, right? Sentence देखिए, there which has been a serious deterioration in her mental conditions, right? बहुत ही एक तरह से प्रकृति जिसको बोलते हैं खराब conditions, right? Ninth word से prolonged, it means tall something, lengthy something, जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि जो लंबा तरीके से एक तरह से किसी को बोलते हैं उसको बोलते हैं prolonged, right? Two countries यानी कि दो देश हैं, prolonged लंबे समय से signings and signings, not singing, signings and agreement until details could be agreed on, right? बहुत लंबे तरीके से two countries के बीच में जो agreement sign हुआ certainly एक तरह से details है। I hope so guys clear hoga, these are 9 words, take a screenshot with sentence, I hope aapko words achhe lage to please your responsibility sessions ko like kare, share kare apne friend ke sath, apne colleagues ke sath, kisi bhi group mein, WhatsApp, Telegram, Facebook, kisi bhi group mein please share zarur kijiyega, subscribe kar lijiye channel ko, main isi ke purpose liye kar raha hu ki mera motivation skill isi se increase hota, बहुत टाइम लगता है सेंटेंस क्रिएट करने में, वर्ड्स टाइप करने में, सेंटेंस क्रिएट करने में, तो प्लीज योर रिस्पांसिबिलिटी सेंटेंस को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ड्स का देखिए, स्ट्रीनियस इट मींस एडजेक्टिव तो यार के लिए जो विग्रस समथिंग, जो एक तरह से कह सकते हैं अति उत्साही होते हैं उसको बोलते हैं, राइट। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेटर देन ओकेशनल स्पॉट ऑफ स्ट्रीनियस एक्टिविटीज, राइट। ये वर्ड ऑफ द डे रिविजन्स करते हैं, पर सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। बॉन होमिंग इट मींस गुड ह्यूमर, प्रायर समथिंग यानी कि एंटी एंटीगस एंड मेजर समथिंग जो पहले हो, फॉर्मर समथिंग, बाइफर्केशंस यानी सेक्शंस जिसको एक तरह से विभाजित कर देना, विभाजित कर देना, कॉम्बैट एंड बैटल समथिंग, वार वेयर समथिंग, राइट। डुप्लीसियस इट मींस हाइपोक्रिटिकल्स, राइट। डुप्लीसियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, हाइपोक्रिटिकल्स जो दोगलापन जिसको बोलते हैं, डबल फेस असिस्टेंट यानी कि रेगुलर वर्ड्स यानी कि किसी चीज को पुनर्जीवित कर देना, एक्सेलरेटेड यानी कि हैस्टी एंड क्विकली जल्दबाजी से तरीके से एक तरह से कह सकते हैं, डिटेरियोरेटेड यानी कि बिगाड़ना, किसी चीज को खराब करना, डीके समथिंग, विशेषण समथिंग, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि टॉल समथिंग, लेंथी समथिंग, राइट, बहुत बड़ा, स्ट्रेनियस इट मींस विगरस समथिंग।
I hope so guys, clear hua. Any doubt you can definitely ask me. Okay, thank you so much friends. I hope you will enjoy the sessions. If you enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channel. जय जय भारत. आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आप सभी का दिन मंगलमय हो और पढ़ते रहिएगा. थैंक यू सो मच.